हर हर महादेव। पूजा पाठ करते समय ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में पूजा पाठ को बड़ा ही महत्व दिया गया है और रोज भगवान की पूजा को अनिवार्य बताया गया है, और वही हिंदू धर्म में लोग इसका पालन भी करते हैं मित्रों। मगर की बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग हमेशा इस बात की शिकायत करते हैं कि वे पूजा तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें पूजा का सही फल नहीं मिल रहा है। दिन रात भगवान के नाम को जपते हैं लेकिन भगवान उनकी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं मगर इसका सबसे बड़ा कारण एक पूजा के नियमों में कुछ गलतियां होना है। लोग जाने अनजाने में भगवान को कुछ ऐसा चढ़ा देते हैं जो उन्हें प्रिय नहीं होता है। ऐसे में हो सकता है कि भगवान नाराज हो जाए और पूजा का सही फल आपको ना मिले। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि पूजा पाठ करते समय आपको किन किन बातों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। एक, सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु, ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। दो, शिवजी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। तीन, माँ दुर्गा को दूर्वा, एक प्रकार की घास नहीं चढ़ानी चाहिए। यह गणेश जी को विशेष रूप से अर्पित की जाती है। चार, सूर्य देव को शंख के जल से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। पांच, तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। छह, शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 से 6 बजे तक ब्रह्मा मुहूर्त में पूजन और आरती होनी चाहिए। इसके बाद प्रातः 9 से 10 बजे तक दूसरी बार का पूजन, दोपहर में तीसरी बार पूजन करना चाहिए। इस पूजन के बाद भगवान को शयन करवाना चाहिए। शाम के समय 4-5 बजे पुनः पूजन और आरती, रात को 8 से 9 बजे शयन आरती करनी चाहिए। जिन घरों में नियमित रूप से 5 बार पूजन किया जाता है वहां सभी देवी देवताओं का वास होता है और ऐसे घरों में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। 7, प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगाजल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन में गंगाजल नहीं रखा जाना चाहिए। गंगाजल तांबे के बर्तन में रखना ही शुभ रहता है। 8, स्त्रियों को और अपवित्र अवस्था में पुरुषों को शंख नहीं बजाना चाहिए। यह इस नियम का पालन नहीं किया जाता है तो जहाँ शंख बजाया जाता है वहां से देवी लक्ष्मी चली जाती हैं। 9, मंदिर और देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी भी पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। 10, केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। 11, किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। 12, दूर्वा, एक प्रकार की घास रविवार को नहीं तोड़ी जानी चाहिए। 13, माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़ककर पुनः चढ़ा सकते हैं। 14, शास्त्रों के अनुसार शिवजी को प्रिय बिल्व पत्र 6 माह तक बासी नहीं माने जाते हैं, अत इन्हें जल छिड़ककर पुनः शिवलिंग पर अर्पित किया जा सकता है। 15, तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़ककर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। 16, आमतौर पर फूलों को हाथों में रखकर हाथों से भगवान को अर्पित किया जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी पवित्र पात्र में रखना चाहिए और इसी पात्र में से लेकर देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए।
17 तांबे के बर्तन में चंदन, घिसा हुआ चंदन या चंदन का पानी नहीं रखना चाहिए। 18 हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलते हैं वे रोगी होते हैं। 19 बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। 20 पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख रखकर करनी चाहिए। यदि संभव हो सके तो सुबह 6 से 8 बजे के बीच में पूजा अवश्य करें। 21 पूजा करते समय आसन के लिए ध्यान रखें कि बैठने का आसन ऊनी होगा तो श्रेष्ठ रहेगा। 22 घर के मंदिर में सुबह एवं शाम को दीपक अवश्य जलाएं। 1 दीपक घी का और 1 दीपक तेल का जलाना चाहिए। 23 पूजन कर्म और आरती पूर्ण होने के बाद उसी स्थान पर खड़े होकर 3 परिक्रमाएं अवश्य करनी चाहिए। 24 रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। 25 भगवान की आरती करते समय ध्यान रखें ये बातें, भगवान के चरणों की 4 बार आरती करें, नाभि की 2 बार और मुख की 1 या 3 बार आरती करें। इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों की कम से कम 7 बार आरती करनी चाहिए। 26 पूजा घर में मूर्तियां 1, 3, 5, 7, 9, 11 इंच तक की होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं, तथा खड़े हुए गणेश जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियां घर में नहीं होनी चाहिए। 27 गणेश या देवी की प्रतिमा 3-3, शिवलिंग 2, शालिग्राम 2, सूर्य प्रतिमा 2, गोमती चक्र 2 की संख्या में कदापि न रखें। 28 अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखें, उपहार, कांच, लकड़ी एवं फाइबर की मूर्तियां न रखें एवं खंडित, जली कटी फोटो और टूटा कांच तुरंत हटा दें। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित की गई है। जो भी मूर्ति खंडित हो जाती है उसे पूजा के स्थल से हटा देना चाहिए और किसी पवित्र बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी गई है। इस संबंध में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि सिर्फ शिवलिंग कभी भी किसी भी अवस्था में खंडित नहीं माना जाता है। 29 मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें एवं आभूषण आदि भी न रखें। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है। अपने पूज्य माता पिता तथा पितरों का फोटो मंदिर में कदापि न रखें, उन्हें घर के नैऋत्य कोण में स्थापित करें। 30 विष्णु की 4, गणेश की 3, सूर्य की 7, दुर्गा की 1 एवं शिव की आधी परिक्रमा कर सकते हैं। तो मित्रों, ये थे पूजा पाठ के कुछ जरूरी नियम जिसको आप सभी को पता होना बहुत ही जरूरी है। तो मित्रों, अगर ये बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हर हर महादेव।